कानपुर नगर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास में कल रात्रि में एक पुलिसकर्मी के सह पर कल क्षेत्र में बहुत तांडव मचा। वहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि आए दिन किराए के मकान में जो कुछ युवक रहते थे वहां लगातार लड़कियों का आना जाना और शराब की बोतलें मिलती थी और शराब पीने के बाद में मोहल्ले में गंदी गंदी गालियां और महिलाओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन खास बात यह भी है कि इस सभी कार्यों में एक पुलिसकर्मी भी हत्थे चढ़ा है जो इन्हीं अराजक युवकों के साथ सम्मिलित था। वहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि थाने में कई बार तहरीर दी गई लेकिन कोई भी इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बाद क्षेत्रवासियों ने SP ऑफिस में कॉल करके विज्ञापन देकर अपनी बातों को रखा जिसके द्वारा कल रात में नौबस्ता थाने से पुलिस बल बुलाई गई और पुलिस बल बुलाने के साथ अराजक युवकों की धरपकड़ की गई। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं और अपने पद और वर्दी का डर दिखाते हैं। इन अराजक तत्वों में जब पुलिसकर्मी का नाम आया था तो पुलिस विभाग के हाथ पांव फूल गए। खास बात यह रही कि पुलिस विभाग अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के बजाय पुलिसकर्मी को बचाते रहे। प्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर से रामेश्वर मिश्रा की खास रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग इनके हो रही है। अरे यहाँ नोट कहाँ जाने दे रहे हैं जी महाराज? अरे निकल, आप लोग नाम सबका इकट्ठा करके नोट करिए। घूम रहा अंदर नाम नोट करिए। ये गाली दे रहा था। निकल गया।